अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, ठीक होंगे। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या यूएई ने पाकिस्तान के वीज़े बैन किए हैं या नहीं किए हैं, क्योंकि आप लोगों के ये मुझे बहुत कमेंट आ रहे हैं व्हाट्सएप पे। आप लोग मुझे कॉल कर रहे हो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हो कि तारिक भाई हमें काइंडली बता दें कि वीज़ा बैन है या नहीं, क्योंकि हम पाकिस्तान से आना चाहते हैं और यहाँ जॉब करना चाहते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आ रही कि वीज़ा अप्लाई करें या नहीं। तो भाई, इसकी थोड़ी मैंने मालूम ली और मैं अभी वही मालूम आप लोगों के साथ उसको शेयर करूँगा। तो आइए, बेसिकली वो हज़रात जो पाकिस्तान से आना चाहते हैं यूएई जॉब की नियत से, ठीक है, और उनको भी समझ में नहीं आ रही, तो भाई मैं आप लोगों को बता दूं कि वीज़ा बैंड नहीं है पाकिस्तान के लिए, लेकिन हाँ एजुकेशन नहीं है, मैट्रिक पास वालों को वीज़ा नहीं मिल रहा, इंटरमीडिएट वालों को खाली वीज़ा मिल रहा है। ठीक है, इंटरमीडिएट हो, ग्रेजुएशन हो, MBA हो, MBBS हो या BCOM किया हो तो आपको वीज़ा मिलेगा। उसके लिए मैंने अपनी लास्ट वीडियोज़ के अंदर बताया था कि अगर आप लोगों ने वो देखी हो और उसको समझा हो कि अगर डिग्री पे अटेस्टेशन है, डिग्री पे मार्कशीट पे नहीं, डिग्री चाहिए, मार्कशीट को कोई नहीं पूछता, डिग्री आपकी अटेस्टेड है मोफा से और यूएई की जो कौंसलेट है उससे, तब आपको यहाँ का वीज़ा मिलेगा। विजिट वीज़ा भी खुला हुआ है, वर्क वीज़ा भी पाकिस्तान के लिए ओपन किया है, बंद किसी के लिए कुछ नहीं किया हुआ। ठीक है, हाँ तो थोड़ा मुश्किल बना है ताकि जो जाहिल लोग हैं जो यहाँ आके उल्टे सीधे काम करते थे उनको निकालने के लिए कि वो लोग यहाँ ना आए, लेकिन मुझे पता है वो बहुत अच्छे लोग हैं, वो भी कुछ शॉर्टकट रास्ता ले लेंगे और यहाँ आ जाएंगे, क्योंकि क्या कहेंगे कि अभी मजबूरी है भाई। तो ये सब चीज़ें हैं, तो वीज़ा बैंड नहीं है, ये आप लोगों के लिए मैंने वीडियो बना दी है, ये अपने बात अपने दिमाग से निकाल दो कि वीज़ा बैंड नहीं है। हाँ, अगर परमानेंट वीज़ा बैंड होगा तो मैं आपको बता दूंगा, वैसे अभी यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। अब इसके अलावा भी भाई कोई बात ऐसी हो जो मैंने नहीं बताई तो नीचे मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, ईमेल नीचे दी हुई है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, लेकिन ये सवाल नहीं करना कि यह वीज़ा बैंड है कब तक खुलेगा। तो भाई वीज़ा खुला हुआ है, बैंड नहीं, मैं अभी से बता रहा हूँ। ये एक सवाल नहीं करना, क्योंकि ये सवाल करने का फ़ायदा नहीं कि मतलब एक चीज़ मैंने वीडियो के अंदर बता दी तो सवाल करने का फ़ायदा क्या, भाई कोई फ़ायदा नहीं है, मामा मुश्किल है। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक मुझे दीजिए इजाज़त अल्लाह आने के बाद।